अक्सर हम आपके लिए कार्स और बाइक्स का रिव्यूज करते रहते हैं ताकि आपकी बाइंग डिसीजन आसान हो सके, क्योंकि हमारा मकसद साफ है, आपका फायदा। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मारुति ऑल्टो का लॉन्ग टर्म रिव्यू। हम आपके लिए गाड़ियों का रिव्यू तीन पैरामीटर्स पर तैयार करते हैं, फर्स्ट ड्राइव, रोड टेस्ट और लॉन्ग टर्म रिव्यू। फर्स्ट ड्राइव जो है उसमें हमारे पास गाड़ी महज कुछ घंटों के लिए आती है, जिसके बाद कुछ किलोमीटर चलाने के बाद हम आपके लिए फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस तैयार करते हैं। फिर आता है रोड टेस्ट रिव्यू। अब रोड टेस्ट में हमारे पास गाड़ी कुछ दिनों के लिए आती है, यानी कि 2 से 3 दिन के लिए आती है, फिर 100, 200, 300 जितना भी किलोमीटर हो सकता है, हमारे पास जितना समय होता है उतने समय में हम चलाकर आपके लिए गाड़ी की अच्छाई और बुराई की एक रिपोर्ट तैयार कर दिखाते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म रिव्यू, जो कि हम आज कर रहे हैं। इसमें हम गाड़ी के साथ कुछ महीने बिताते हैं, यानी कि 2 से 3 महीने का वक्त हम गाड़ी के साथ बिताते हैं, जगह जगह चलाकर देखते हैं, हाईवे पर, सिटी में और लॉन्ग रूट पर भी लेकर जाते हैं, पहाड़ों पर चलाकर देखते हैं। फिर उसके बाद गाड़ी में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कहाँ खुश किया, कहाँ निराश किया, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करके हम आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आपका उस गाड़ी को खरीदने का फैसला आसान हो सके। नई मारुति ऑल्टो मेरे पास पिछले 2 महीनों से है, करीब 2500 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ। अब इस गाड़ी के बारे में मैं आपको ऐसी क्या बातें बताऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखो, लुक्स और डिज़ाइन के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन पिछले 2 महीनों में मैंने इसे हाईवे पर चलाया, सिटी में चलाया, पहाड़ों पर चलाया, धूल धक्कड़ वाले इलाकों पर भी चलाया, लेकिन पिछले 2 महीनों में मैंने इस गाड़ी को ना एक बार भी नहीं धुलवाया। इतना ही नहीं, ये गाड़ी ना जल्दी से गंदी भी नहीं होती। थोड़ी बहुत गंदी होने के बाद अगर आप इस गाड़ी पर गीला कपड़ा मारोगे ना, तो वाकई पूरी तरह चमकती हुई ये गाड़ी नजर आएगी। हालांकि एक चीज़ जहां पर आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, वो है इसकी ग्रिल। इसकी ग्रिल में मिट्टी चिपकने के बाद आपको प्रॉपर या तो पानी मारना पड़ता है या फिर गीला कपड़ा 3-4 बार मारना पड़ता है, तभी जाके वहां से मिट्टी छूटती है। 2,500 किलोमीटर चलाने के बाद नई मारुति ऑल्टो K10 ने मुझे परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा खुश किया है। 1000 सीसी का इंजन है, लेकिन पावर में किसी तरीके की कमी महसूस नहीं होती है। इतना ही नहीं, मैं इसका AGS यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट चला रहा हूँ, तो जो इसका ऑटो गियर शिफ्ट ट्रांसमिशन है वाकई बेस्ट इन सेगमेंट है। इनफैक्ट ऑल्टो K10 के इंजन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। जब मैं इस गाड़ी को सिटी में चला रहा था तो वहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बिल्कुल सीमलेस तरीके से ये काम करता हुआ नज़र आ रहा था, और झटके जैसा भी फील नहीं हो रहा था, जैसे कि मतलब होते हैं ना ऑटो गियर शिफ्ट ट्रांसमिशन की भैया झूला झूलाते हुए नज़र आते हैं कुछ भी। हालांकि इनिशियल RPM से अगर आप हाई RPM पर लेकर जाते हो तो वहाँ पर थोड़ा बहुत फील होता है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप इसके साथ हाईवे पर चल रहे हैं और एक सर्टेन रफ्तार पर क्रूज़ कर रहे हैं, 80-90 km/h की रफ्तार पर चला रहे हैं, तो वहाँ पर ये वाकई काफ़ी खुश करती है और आपको मतलब ऐसा फील नहीं होने देती कि आप अनबैलेंस हो रहे हो। गाड़ी वाकई काफ़ी बैलेंस्ड रहती है, और इंजन से देखो थोड़ा बहुत शोर ज़रूर आता है 70-80 km/h की रफ्तार पर, लेकिन परफॉर्मेंस वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती हुई दिखाई देती है। अंडर पावर कहीं से भी ये गाड़ी नज़र नहीं आती है। इनफैक्ट अगर आपने मैनुअल चलाई होगी नई वाली ऑल्टो K10, तो उसके मुकाबले अगर मैं AGS को कंपेयर करूं, तो पहाड़ों पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने पहाड़ों पर चढ़ाई की है, इसकी ग्रेडेबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है, और जो AGS ट्रांसमिशन है उसने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है। अब राइड क्वालिटी की बात करें ना, तो राइड क्वालिटी के मामले में नई ऑल्टो K10 आपको अपना दीवाना बना देगी। जी हाँ, जिस हिसाब से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी है ना, वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर ये एकदम से मतलब मक्खन की तरह चलती है। इतना ही नहीं, अगर थोड़े बहुत बड़े बम्स या रफ पैचेस आपके सामने आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको निराश नहीं होना पड़ता। मतलब इतनी बढ़िया राइड क्वालिटी आपको इस गाड़ी से मिल जाती है। और गांव देहात जैसी सड़कें होती हैं या फिर ऊबड़ खाबड़ जैसे इलाके होते हैं, वहाँ पर ना ऑल्टो K10 वाकई बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हुई नज़र आती है। मतलब मैंने हर तरीके की सड़कों पर इसे चलाया, तो राइड क्वालिटी से तो मुझे किसी तरीके की निराशा हाथ नहीं लगी है। अब आखिर में बात करते हैं कितना देती है या इसने मुझे कितना दिया है। तो नई ऑल्टो K10 जाहिर सी बात है इस गाड़ी का जो इंजन है काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, उतना ही बेहतर इसका माइलेज भी है। अब मैंने इस गाड़ी का जो प्रॉपर माइलेज टेस्ट किया,
तो ना आप वाकई हैरान हो जाएंगे। 24 km/h माइलेज इस गाड़ी ने मुझे दिया है जहां मैं इसे लॉन्ग रूट पर लेकर गया था, और 20 से 22 km/h तो ये आपको इजीली सिटी वगैरह में दे देती है। अगर आप देखोगे ना तो इसका जो माइलेज मीटर है 20, 21, 22 इतना चलता रहता है। माइलेज को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, राइड क्वालिटी को लेकर वाकई आपको नई ऑल्टो K10 से प्यार हो जाएगा। अब इतनी तारीफें सुनने के बाद आप लोग कमेंट करके पूछो कि सुरक्षित कितनी है, सेफ्टी वाइज क्या रेटिंग है। तो यार इस गाड़ी की सेफ्टी वाइज कोई रेटिंग नहीं है, और क्रैश टेस्ट तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मारुति ने अपनी नई ऑल्टो को जो बनाया है, जिस हिसाब से इस गाड़ी में माइलेज मिलती है, परफॉर्मेंस मिलती है और साथ ही स्पेस मिलता है, वाकई आपको काफ़ी खुश करता है। लेकिन अगर आप कमेंट करके बार बार ये बोलो कि जीरो सेफ्टी रेटिंग मिलती है क्रैश टेस्ट में और इसका बॉडी शेल बहुत हल्का है या कुछ भी है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पुरानी वाली जो ऑल्टो थी उसके मुकाबले इस गाड़ी का जो बॉडी शेल है, जो प्लेटफॉर्म है, वो मजबूत हुआ है। उतना ही नहीं, इस गाड़ी को चलाते समय आप फील भी करते हो कि वाकई ये गाड़ी पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। देखो पिछले 2 महीनों में मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। टच एंड सेंस काफ़ी बढ़िया काम करता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी बढ़िया काम करता है, लैग होता हुआ, हैंग होता हुआ कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी काफ़ी बढ़िया चलता है इसमें। हालांकि एक चीज़ जो मुझे लगता है कि कंपनी को देना चाहिए था कि रिवर्स पार्किंग व्यू कैमरा दे देती तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, हालांकि मैं यूज्ड टू हो गया था। इसके अलावा फिट एंड फिनिश की बात करें तो वो आपको हर जगह काफ़ी बढ़िया मिलती है, लेकिन नीचे अगर आप सेंटर कंसोल पर देखते हो तो यहाँ पर ये हिलता हुआ नज़र आता है। हालांकि आप इसे टाइट वगैरह भी करवा सकते हो, लेकिन मैंने खुद भी टाइट किया उसके बाद भी ये थोड़ा बहुत हिल ही रहा है। खैर बाकी ये जो पूरा डैशबोर्ड है, यहाँ पर एक बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि अगर थोड़ी बहुत गाड़ी अंदर से गंदी भी हो जाती है तो आप गीला कपड़ा मारो, वापस वैसे ही हो जाएगी। देखो रियर सीटों पर आप आते हो ना तो यहाँ पर भरपूर स्पेस मिल जाता है, स्पेस में कोई कमी नहीं, और जो सीटों की कुशनिंग वगैरह है वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। हालांकि जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है या कोल्ड ड्रिंक वगैरह गिर जाती है तो एकदम से दाग लग जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यार जब गाड़ी को धुलवाओ तो प्रॉपर सीट वगैरह भी आराम से ड्राई क्लीन करवा लो। अब दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पर सफ़र कर रहे हैं तो प्रैक्टिकलिटी वाइज जो लोग पीछे बैठे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी के समय जाहिर सी बात है आपको पानी की बॉटल्स वगैरह गाड़ी में रखनी होती हैं, चिप्स वगैरह रखने होते हैं, तो यहाँ पर सामान वगैरह रखने के लिए उतनी ज़्यादा जगह नहीं है। दरवाज़ों पर कोई भी स्टोरेज स्पेस नहीं है, एक वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है जो कि यहाँ पर सेंटर में है, लेकिन मुझे लगता है कंपनी को दरवाज़ों पर भी स्टोरेज स्पेस देना चाहिए था। इसके अलावा 3 लोग अगर यहाँ पर बैठते हैं, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और हट्टे कट्टे 2 लोग भी बैठते हैं, लंबे चौड़े व्यक्ति बैठते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, जो कि मुझे लगता है इस 6 लाख रुपये वाली टॉप मॉडल में तो कंपनी को ज़रूर देना चाहिए था। अब यहाँ पर जैसे मैं बैठा हूँ तो मुझे भी मेरे सर पर उतना ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको ये मारुति ऑल्टो K10 लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि नई मारुति ऑल्टो K10 खरीदने पर विचार कर रहे हैं।